तो आज सुबह सुबह मैं छत पे योगा कर रही थी, तो मैंने क्या देखा आज कि आज ये गिलहरी महाशय हमारे छत पे आई हुई हैं, जो कि रोज़ आती हैं, लेकिन आज ये पकड़ी गई। ये देखिए, तो मैंने आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है और मैं कैमरा लेके पास गई तो ये एकदम शांत बैठ गई, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे थे कि हमारी गार्डन की जो कलियां हैं वो टूटी हुई हैं और हम सोचते थे कि कौन तोड़ रहा है, ये काट के जाती थी इसको, बल्कि मम्मी को शक भी था इस पे, बट आज ये पकड़ी गई है रंगे हाथों। वैसे तो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं गिलहरियां, बस लेकिन एक चीज़ नहीं अच्छी लगती है, जो ये हमारी कलियां काट के जाती हैं, और ये मेरे कैमरे से बचकर तो नहीं जाने वाली है। मैं काफ़ी पास ले गई हूँ इनके कैमरा, और ये देखिए ये इस तरह शांत बैठी है जैसे ये कोई मतलब वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे जानवर नहीं दिखे ही नहीं हमको, छुप गई है उसमें। और ये देखिए ये अपना सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करने में लगी हुई है मम्मी के गार्डन में। तो ये नए नए मेहमान हमारे, एक्चुअली ये मेहमान नहीं, घर के सदस्य ही बन चुके हैं। ये देखिए ये अपना खाना ढूंढ रही हैं, ये बहुत तेज़ होती है और इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है भागने की, कभी कभी तो जब मतलब कोशिश करी है मैंने इन्हें पकड़ने की, लेकिन नहीं, ये बहुत तेज़ भागती हैं। और जब ये खाती है ना तो खाते हुए बड़ी अच्छी लगती हैं, तो दोनों हाथों से कुछ भी पकड़ लेंगी और खाने लगेंगी। ये देखिए एक गमले से दूसरे गमले में और दूसरे से तीसरे में, बड़ी फुर्तीली होती हैं, कुछ खा रही है आई थिंक ये। तो अभी जैसे सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इनका सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ गार्डन में, कुछ तो खोज रही है ये। मैं कोशिश करती हूँ कैमरे को और पास ले जाने की, ये देखिए ये भाग गई यहाँ से, ज़्यादा पास ले जाऊंगी तो ये भाग जाएगी, पक्का है ये भाग जाएगी। ये कुछ मिला इसको खाने को लगता है गार्डन में, तो लगता है सबसे हेल्दी नाश्ता यही लोग करते हैं, बिना ऑयल का ऑयल फ्री नाश्ता होता है इनका एकदम। हम लोग की तरह नहीं, पराठे और पकौड़ी चल रही है सुबह सुबह नाश्ते में। ये देखिए कैसे देख रही है मुझे, मेरे कैमरे को। खा ले बेटा मज़े से। वैसे आज काफ़ी अच्छा मौसम है, अभी तक धूप भी नहीं निकली, हल्के बादल हैं, तो योगा करने का भी मज़ा आया, प्लस ये जो गिलहरी महाशय हमें दिख गई है यहाँ पे, मतलब मुझे तो ये क्या खा रही है मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि मिट्टी खा रही है, बट ये मिट्टी तो नहीं खाती है। अब आई डोंट नो ये क्या खा रही है। हाँ मिट्टी का ये गोबर का छोटा सा डला लेके बैठी है। लग तो ये मिट्टी जैसा ही रहा है। मुझे तो लगता है कि अपने सुबह के ब्रेकफास्ट को फुल्ली एंजॉय कर रही है, पूरा मज़ा आ रहा है। और ये कहाँ 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 भाग गई है, ये देखो ये फिर छुप गई कहीं जाके, इसको तो ये मिल गई, ये रही, बच के कहाँ जाएगी। ये देखो कैसे छुपी हुई है वहां पे, आई डोंट नो ये कहाँ से आती है, बट ये ज्यादातर सुबह और शाम के टाइम ज्यादा दिखती है। का घर कहाँ पे होता है यार, आप लोग के छत पे भी जरूर आती होगी, अगर आपके छत पे भी आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देखो यहाँ पे, वैसे मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि ये बहुत क्यूट है और मन कर रहा है इसको पकड़ लूँ, लेकिन मुझे पता है मैं तो पकड़ूंगी ना तो ये भागने वाली है। और ये क्या, ये सच में भाग रही है लग रहा है, अब ये गई, ये गई गई भाग गई है, शिट। और मैं सोचती थी कि हमारे छत पे एक ही गिलहरी है, बट ऐसा नहीं है यार, यहाँ दो दो हैं, तो मम्मी को बताना पड़ेगा कि एक नहीं आती है, दो आती है, और हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी आती हो। और ये देखो ये छुपी हुई है मम्मी के गार्डन में, ये अरवी के या आप घुइया के भी कह सकते हो, उनके पत्तों में छुपी बैठी है महाशय, कैसे देख रही है ये देखो, जूम करके दिखाती हूँ मैं।
टुकुर टुकुर देख रही है कैमरे में। और मम्मी को पता लगेगा तो इसकी तो डांट पिटवाऊंगी मैं। ओके जस्ट किडिंग, ऐसा कैसे मम्मी इसको डांट सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बहुत क्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके ऊपर जो धारियाँ बनी है वो श्री राम जी ने इनके ऊपर हाथ फेरा था, तो इससे इनके जो ये स्किन के ऊपर धारियाँ उन्हीं की उंगलियों की बनी है, तो ऐसे लोग कहते हैं कहानियों में, अम्मा भी बताती हैं। आई डोंट नो इसके बारे में कि कितना सच है, बट जो भी है ये बहुत सुंदर लगती हैं देखने में, और लगता है ये भी अपना ब्रेकफास्ट करने आई है सुबह का। तो ये तो बिल्कुल बिजी हो रखी है इसमें ढूंढने में, पता नहीं क्या ढूंढ रही है ये इसमें। तो ये पत्ते काफ़ी बड़े हैं तो इतना ये दिख नहीं रही है आसानी से, और पत्ते बड़े हैं और बड़े हो ही रहे हैं, तो सोच रही हूँ क्यों ना मम्मी से कह के पतोड़ बनवा लूँ, इनकी जो पकौड़ियाँ बनती हैं बेसन में लपेट के, और हाँ सब्जी भी बनती है तो बहुत टेस्टी लगती है, शायद आप लोगों ने खाई होगी। और अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो डालूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो ये भी मैडम जी कुछ ढूंढने में बिजी हैं। चलो इंसानों से तो अच्छा है सुबह सुबह देर तक सोती नहीं है। जल्दी उठ जाती हैं। और ये क्या, ये भी भाग गई।